हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और ऐसे स्टेप्स क्या है इसको रिकंस्ट्रक्शन करने के, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देते चलता हूँ कि कॉमर्स की पाठशाला में आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन एक प्लान है, जहाँ पे आपको करना क्या है, एक नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद जिस तरह से आप ट्यूशंस करते हैं, ट्यूशंस में आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, हमारे पास से भी सेम सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी कंपेरेटिवली एट अ लो कॉस्ट, राइट। सबसे पहले प्रोसेस क्या है इसको लेने का, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है। इसके बाद आपको हमारे चैनल के ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपको बीकॉम के ऊपर क्लिक करना होगा। बीकॉम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको 119 रुपीज मंथ के हिसाब से रेकरिंग पेमेंट होता है, बट ये आरबीआई के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है, इनका पता नहीं क्या होगा। तो आप यहाँ पे ये आपको अमाउंट पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या क्या करने के बाद, आपको जो है फ्री सॉल्व असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। जो भी आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं उसका सॉल्व आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अगर नोट्स अगर आप बाय करना चाहें तो 40% डिस्काउंट पे आप हमसे बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप सपोर्ट तो कॉमन है, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मोर अबाउट वर्क्स में जाकर के यहाँ पे एक व्हाट्सएप चैट का लिंक आपको दिखेगा, जिसको क्लिक करना है, जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के मेंबर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप जब भी स्टडी करें प्लेलिस्ट के थ्रू करें। प्लेलिस्ट में हमारे ढेर सारी वीडियोस यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप अवेलेबल है, और भी बहुत सारी वीडियोस धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगी सेकंड ईयर थर्ड ईयर सभी सब्जेक्ट्स की। तो आप यहाँ पे आकर के डायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलिए फिर अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो द लेक्चर इज अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, लास्ट टाइम वो था, इस बार कर लेता हूँ रेड करके, देखता हूँ कैसा लगता है। चलो, सो द यूजुअल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो कौन कौन से भाई स्टेप्स हैं देखते हैं। इन ब्रीफ, द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ कैपिटल रिडक्शन इन्वॉल्व सैक्रिफाइसेस ऑन द पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, यूटिलाइजिंग द अमाउंट फॉरगॉन बाय देम टू राइट ऑफ लॉसेस एंड ऑल्सो स्केल डाउन एसेट्स टू देयर रियल वैल्यूज। देखो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताएगा, आपको उतना ध्यान नहीं देना। सिंपल सी बात यह है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंपनी को वापस से तैयार करना। जब आप कंपनी को वापस से तैयार करोगे तो कंपनी के जो प्रीवियस लॉसेज है आप उसको हटाओगे। जितने पैसे आपको किसी के पास से मिलने हैं वो पैसे आप लेने की कोशिश करोगे। आपको अगर किसी को पैसे देने हैं तो वो पैसे आप किसी को दे दोगे, जिसको भी देने हैं आपको, प्लस जिसका जितना शेयर है उसको इक्वली बोलोगे कि भाई आप रिपोर्ट करो। हर एक चीज जो है क्लियर कट होनी चाहिए ताकि हम अपनी कंपनी को ठीक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, वापस से तैयार कर सकें। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ना, ब्रीफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे होता क्या है कि जो शेयर होल्डर्स के पार्ट का जो सेक्रीफाइस होता है उसको हम कंसिडर में लेते हैं। डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर होल्डर्स, क्रेडिटर्स के पास जितने भी उन्हें जो भी अमाउंट हमें यूटिलाइज करना होता है वो हम करते हैं, जो देना होता है वो हम देते हैं, और जो हमारे राइट जो लॉसेज होते हैं उसको हम राइट ऑफ करते हैं, हटा देते हैं, है ना, ताकि जो एसेट्स है उसकी वैल्यू को हम नीचे भी लाते हैं, ताकि जो रियल वैल्यू है एसेट्स की, तो एसेट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आपकी लायबिलिटी ज्यादा होगी तो एसेट का वैल्यू डेफिनेटली हाई होगा। तो आप जैसे जैसे अपनी लायबिलिटी को एक तरीके से राइट ऑफ करते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो, लॉसेस को आप राइट ऑफ करते जा रहे हो, आपके एसेट की जो रियल वैल्यू है वो भी घट रही है, आपके एसेट की वैल्यू भी घट रही है। तो वो घट करके एक तरह से जो रियल वैल्यू होगी ना एसेट की, वो वहां तक पहुंच जाएगी। तो ये करना होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। An account names as capital reduction amount account, also called internal reconstruction account, is opened for this purpose. Amounts sacrificed by various interests are credited to this account and then balance in this account is utilized to write off losses. है ना? क्या समझ में आया आपको कि यहाँ पे एक अकाउंट खोला जा रहा है। जब भी हम इस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं तो एक अकाउंट खोला जा रहा है जिसका नाम रखा गया है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या फिर तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी अमाउंट आप सैक्रिफाइस कर रहे हो कंपनी के बिहाफ पे, उस सारे अमाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो इस अकाउंट में, और जितने भी लॉसेज आपको एक तरीके से राइट ऑफ करने हैं, है ना, उसको आप डेबिट साइड में दिखा करके सारे लॉसेज को आप राइट ऑफ कर दे रहे हो, ठीक है ना। सो द आइटम्स दैट आर रिटन ऑफ एज पार्ट ऑफ द कैपिटल रिडक्शन आर एज फॉलोज। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको राइट ऑफ करना पड़ता है इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो जो हमारा चीज है जिसको हम राइट ऑफ करते हैं वो है हमारा गुडविल,
है ना। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। या सो इन द केस ऑफ द कंपनी विच लॉस्ट कैपिटल द अपीयरेंस ऑफ द गुडविल इन द बैलेंस शीट डज नॉट मेक एनी सेंस, सो दैट दिस आइटम यूजुअली इज रिटन ऑफ। तो जो भी आपकी गुडविल की वैल्यू होगी उसको राइट ऑफ किया जाएगा। सिंपल सा इसका रीजन बताया गया है कि जो कंपनी जिसका कैपिटल ही एक तरीके से लॉस्ट हो गया हो, खत्म हो गया हो, उस कंपनी का गुडविल कैसे बचा रह सकता है। गुडविल तो डेफिनेटली खत्म हो ही गया ना, तभी तो उसके पास कैपिटल नहीं है, बिजनेस ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा। तो वही बात बोली जा रही है कि इन द केस ऑफ द कंपनी विच हैज लॉस्ट कैपिटल द अपीयरेंस ऑफ गुडविल इन द बैलेंस शीट मेक्स नो सेंस, है ना। तो आपको अपने गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ करना होगा। दूसरा आइटम, दूसरा चीज है अदर आइटम्स लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कैपिटल इशू एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर ओनली डेफर्ड एक्सपेंसेस एंड इट इज नॉट हेल्दी टू कीप सच आइटम्स इन द बैलेंस शीट, है ना। सच आइटम्स आर ऑल्सो रिटन ऑफ ऑन रीऑर्गेनाइजेशन। तो आप रीऑर्गेनाइज जब कर रहे हो, रिकंस्ट्रक्ट जब आप कर रहे हो, तो जो इस तरह के आइटम्स होते हैं, जैसे कि इशू आपने जो डिस्काउंट आपने दिया था इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर के टाइम पे, जो कि लाइबिलिटी साइड में शो करना पड़ता है, कैपिटल इशू एक्सपेंसेस जो शो करना पड़ता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट साइड में शो करना पड़ता है, जितने भी सारे डेफर्ड एक्सपेंसेस हैं जो कि कंपनी के लिए हेल्दी नहीं है, उनको बैलेंस शीट में रख के कोई फायदा नहीं है, इन सबको आप हटा दो। इन सबको जिनका जो भी अमाउंट आपने लिख करके रखा है, इन सारे अमाउंट को आपको राइट ऑफ करना होगा, हटा देना होगा, ठीक है। तो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हो गया एनी डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट एक्युमुलेटेड लॉस एंड सच लॉसेस विल बी रिटन ऑफ एज पार्ट ऑफ द कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आप इस काम को करोगे, आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट जो आपका नेगेटिव में है, जो लॉस में है, वो डेफिनेटली कई साल से एक्युमुलेट होकर के जमा होकर के बैठा हुआ होगा, तो जो भी अमाउंट होगा आपको उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा जब आप कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन करोगे, जब आप कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये जितने भी तरह का आपका डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उन सबको आपको एक तरीके से राइट ऑफ करना होगा। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट यू नीड टू डू। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एसेट्स विद इन्फ्लेटेड बुक वैल्यूज। ऐसा कोई एसेट जिसकी बुक वैल्यू जो है वो इन्फ्लेटेड है, मतलब बढ़ा चढ़ा करके एक तरह से लिखी गई है या बढ़ गई है कुछ समय में, उसको आपको एक तरीके से ठीक करना पड़ेगा। तो सम ऑफ द एसेट्स मे बी अपीयरिंग एट अनरीजनेबल बुक वैल्यूज ईदर ड्यू टू इनसफिशिएंट डिप्रिसिएशन और ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सच एसेट मस्ट बी ब्रॉट डाउन टू रियलाइज द एक्चुअल वैल्यूज, ब्रॉट आउट रियलिस्टिक वैल्यूज, है ना। तो जो भी एसेट्स होते हैं जिसकी जो बुक वैल्यू है बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड होती है, काफी हाई होती है, जिसके हाई होने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे बताया गया। एक तो अनरीजनेबल बुक वैल्यू जो होती है वो इनसफिशिएंट डिप्रिसिएशन के कारण होती है, कि आपने डिप्रिसिएशन ठीक तरीके से अपने एसेट्स के ऊपर नहीं चढ़ाया, या तो टेक्नोलॉजिकल कुछ चेंजेस हुए हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ ग्लिचेस हुए हैं, जिसके कारण से आपका जो वैल्यू जो है वो इन्फ्लेटेड शो कर रहा है, बहुत ही हाई शो कर रहा है। तो आपको उसकी वैल्यू को भी एक तरीके से जो रियलिस्टिक वैल्यू है, जो सही वैल्यू है, वहां तक उसको खींच करके लाना होगा। सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग योर कंपनी। सो दीज आर द स्टेप्स एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।